छत्तीसगढ़ प्रदेश का भिलाई शहर अपनी प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की प्रतिभाएं ऐसी हैं जो मन मोह ले और अचंभित भी कर दे। ऐसी ही एक प्रतिभा चित्रकला भी है, जिसमें खुर्सीपार निवासी संजना प्रसाद ने काफ़ी कम समय में महारत हासिल कर ली है। यह चित्रकार हैं संजना प्रसाद, जो कि खुर्सीपार में निवास करती हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा BSP कन्याशाला खुर्सीपार से पूरी की। उसके बाद अब इनकी कॉमर्स में बैचलर डिग्री पूर्ण हो चुकी है। इसी दौरान COVID-19 के संक्रमण की वजह से देश और प्रदेश में लॉकडाउन लग गया था, जिसके बाद इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए संजना ने अपने अंदर छिपी कलाकृति बनाने की प्रतिभा को निखारने का सोचा। आज यह विधा में इतनी पारंगत हो चुकी है कि इस विधा से धन उपार्जन करने में भी सफल हो रही हैं। हमने इनसे जाना कि इतनी अच्छी कलाकृति बनाने के पीछे किन किन का सहयोग इन्हें प्राप्त हुआ है। वह बताती हैं कि बचपन से ही इन्हें चित्रकला में रुचि थी और धीरे धीरे जैसे यह बड़ी होती गई, यह रुचि संजना का जुनून बन गया। YouTube पर ऐसी कलाकृतियाँ देख और यह भी प्रभावित होने लगी और अपने हाथ की कला को एक नया आयाम देते हुए आज इतनी सुंदर और बेहतरीन चित्रकलाएं बना रही हैं। अब इनका खुद का YouTube चैनल भी है, जिसके जरिए यह अपनी द्वारा बनाई गई चित्रकलाओं का प्रदर्शन करती हैं। वहीं इस क्षेत्र में रुचि रखने वालों को चित्रकला की बारीकियां भी बताती हैं, जिससे इनकी चित्रकला से प्रभावित होकर कुछ लोग इनसे संपर्क करके अपनी या अपने परिवार वालों की फ़ोटो भी बनवाते हैं। उसके बदले में इन्हें कुछ धनराशि प्राप्त हो जाती है। संजना के पिता राजेश प्रसाद भी अपनी पुत्री की इस चित्रकला की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हैं। वह खुद भी एक अच्छे मूर्तिकार हैं और इनके पारिवारिक सदस्यों में भी इस कला से जुड़ी अन्य विधाएं भी देखने को मिलती हैं। संजना के पिता अपनी पुत्री के इस लक्ष्य को सार्थक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वैसे भी भिलाई अपने हुनरमंदों की वजह से हमेशा से इस विश्व के पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ता रहा है और अब इसमें संजना प्रसाद का नाम भी शामिल हो चुका है। संजना अपनी इस चित्रकला की प्रतिभा को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करना चाहती हैं, जिससे वे अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाडे व सुनील सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम संजना प्रसाद है। क्या करती हैं आप? मैं BCOM फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एग्जाम दिए है उसके। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा फाइनल बना रही हैं। कब से बना रही हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से? मैं ये फ़ाइन आर्ट्स तो खैर बचपन से ही बनाती थी। मुझे आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था, बट एक्चुअली मुझे लॉकडाउन में ज़्यादा टाइम मिला, जिसके वजह से मैं आर्ट्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाई, तो उसी वजह से मैं उसी टाइम से फाइन आर्ट्स ज़्यादा अच्छा बनाने लगी। कॉमर्स के स्टूडेंट और फाइन आर्ट में आपकी रुझान कैसे दोनों को मेंटेन करती हैं, कंबाइन कैसे कर पाते हैं? पहले तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं इसको ज़्यादा टाइम दे पाऊँ आर्ट्स को। ज़्यादातर तो मैं पढ़ाई में ही रहती थी, बट लॉकडाउन में स्कूल ट्यूशन सब बंद हो गए, जिसके वजह से मुझे अपने आर्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम मिला। आगे किस तरह अपने इस आर्ट को कहाँ तक पहुँचाना चाहती हैं? आगे अपने आर्ट्स को प्रैक्टिस करके काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्ट्स बनाना चाहती हूँ, ताकि लोगों को पसंद आए, लोग मेरे आर्ट्स को पसंद करें। ना ही इंडिया में मैं अपने आर्ट वर्क को फेमस करना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाए। मैं इतनी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। क्या इसे करियर के तौर पे भी देखती हूँ? हाँ, मैंने चूज़ किया इसे एज ए करियर। तो अभी अगर करियर की बात करें तो इससे क्या कुछ अर्निंग वगैरह हो पा रही है? अभी अर्निंग तो मुझे सिर्फ पोर्ट्रेट स्केच बना के मिल रही है, लोग मुझे देते हैं बनाने के लिए, तो उसी से मेरी अर्निंग हो रही है। और एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें फ़िलहाल तो अर्निंग नहीं होती है। मैं लोगों के सामने अपना स्केच दिखाती हूँ कि मेरे ये सारे स्केच हैं, और मैं लोगों को सिखाती भी हूँ वहाँ पे कि मैंने किस तरीके से सीखा है, मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, वही मैं बाकी लोगों को भी बताती हूँ। आज के समय में जो यूथ है वो डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के फील्ड चूज़ करता है, तो आपने फाइन आर्ट को चूज़ किया है, तो इसको लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं कभी ऐसा तो आपके मन में नहीं आता कि मैंने गलत चूज़ कर लिया या मैं कहीं किसी से कम हूँ? नहीं, मैंने चूज़ किया है तो काफ़ी सोच के किया है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे हाथ उसमें काफ़ी अच्छे बैठे हुए, क्योंकि मुझे बचपन से बनाना बहुत पसंद था।
बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे चूज़ करती हूँ। फैमिली का कैसा सपोर्ट मिलता है इस करियर को लेकर? फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है, उन्हें काफ़ी पसंद है। मेरी फैमिली भी एक्चुअली आर्ट से ही रिलेटिव है, वो सारे भी काफ़ी अच्छे आर्ट्स बनाते थे। मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरे चाचा काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है वो लोग भी, तो हाँ मुझे भी उन्हीं से ही प्रेरणा मिलती है ये सारे आर्ट वर्क्स की। अपने हम उम्र यूथ को जिनके अंदर कुछ कला छुपी होती है वो उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनको क्या संदेश देंगे? वो अपनी कला को छुपाएं ना, उनके अंदर है तो वो लोगों को दिखाएं, बनाएं, सिखाएं। उन्हें कभी छुपाना नहीं चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे में लोगों की जो कला है वो छुप जाती है, दिखाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक फाइनल क्वेश्चन, हर कला के पीछे एक आइडल होता है, आप अपना आइडल किसको मानते हैं? यूट्यूबर को, एक यूट्यूबर है काफ़ी अच्छे आर्ट्स बनाते हैं, मैंने उनके आर्ट्स देखे थे, तभी से मुझे ऐसे लगा कि जब वो इतने प्रैक्टिस करके, इतनी मेहनत करके जब वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.